आज जिस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं वो है आज यामा FGX। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इसमें ड्यूल चैनल ABS भी अब आपको दे दिया गया है। वापिस से सुनना, ड्यूल चैनल ABS बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से बाइक दिखेगी, ये पूरी एक क्रूजर बाइक की तरह बनाया गया है। इसको पीछे सब LED, टोटल जो लाइटिंग सेटअप है वो सारा LED है। तो कुछ इस तरह से ये बाइक दिखती है, बल्कि सी। और इसमें जो टैंक वगैरह है, ये जो देख रहे हैं आप, ये टैंक, ये बड़ा बड़ा सा टैंक यहाँ पर, ये मेटल का है। बाकी दूसरी जैसे FG में आता है तो वो प्लास्टिक होते हैं। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वो सब धीरे धीरे आपको सब बताता जाऊँगा। तो कुछ बाइक इस तरह से है, आगे से बाइक का लुक कुछ इस तरह से आता है। 41mm का सस्पेंशन देखिए कितना ब्रॉड, जैसे रॉयल इनफील्ड में आते हैं उसी साइज के इसमें दे रखे हैं। और शुरुआत आगे से कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसका मडगार्ड दे रखा है, यहाँ पर आपको इस तरह से पूरा एक स्पोर्ट्स मतलब क्रूजर टाइप दे रखा है। जो भी अभी आपकी आती है बाइक इस तरह से गोल्ड में, इसको एलॉय व्हील दे रखे हैं, 17 इंच के MRF के टायर है, 180/17 इंच के टायर है, 282mm का डिस्क ब्रेक दे रखा है, बाइबरी के आगे के कैलिपर दे रखे हैं, ABS लगा हुआ है। इसलिए ABS बता रहा हूँ कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि ABS नहीं है, पर हाँ ड्यूल चैनल ABS कर दिया है। इंडिकेटर वगैरह इसमें आपको पूरे LED सेटअप दे रखा है। और आगे का जो हेडलैम्प है वो भी कुछ इस तरह से है, ठीक है, वो पूरा LED सेटअप है। और बहुत सारे फीचर्स हैं। और टैंक पे कुछ इस तरह से FG आपको 3D में लिखा हुआ मिल जाएगा। चाबी कुछ इस तरह से है, बहुत ही शानदार चाबी, वही यामा की चाबी है, सिंपल मशीन कटनी है बस, और धीरे धीरे वो भी अपडेट हो जाएगी। मीटर कंसोल कुछ इस तरह से है, इसमें भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया गया है। यामा की अब सारी बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है, ABS वगैरह यहाँ पर सब बिल्कुल ठीक है। आपसे यहाँ तक आ ही गए हैं तो स्विच पे भी देख लीजिए, ये हेडलैम्प का स्विच है जो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं हेडलैम्प को, जैसे बजाज की बाइक में आता है वैसे ही यहाँ पर भी दे दिया गया है। ये हाई बीम लो बीम का स्विच, ये इंडिकेटर, और ये हॉर्न का, हॉर्न भी बजा के दिखाई देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से हॉर्न है। और लेफ्ट साइड में इसका इंजन क्विल स्विच, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच की इसमें नहीं आती है, ठीक है। और इंजन कुछ इस तरह से है, अब इंजन की बात ही कर लेते हैं, बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो 149cc का सिंगल सिलेंडर BS6 FI इंजन है, एयर कूल, 12.2 BHP की पावर, 7200 RPM पर, और 13.3 Nm का टॉर्क, 5500 RPM पर, 5 स्पीड गियर के साथ आएगा, टॉप स्पीड X की 115 किलोमीटर की रहेगी, और फ्यूल टैंक इसका आएगा 10 लीटर का, ठीक है, बड़ा दिख रहा है पर है 10 लीटर का टैंक। बाइक कुछ ऊपर से जब आप बैठेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगी, साइड मिरर व्यू बहुत ही अच्छे हैं, बड़े हैं क्योंकि हैंडल बाहर से थोड़े से बाहर निकल रहे हैं, मतलब आपका हाथ यहाँ रखने के बाद भी पीछे का व्यू अच्छे है, विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी आई। और बाइक कुछ इस तरह से पूरी दिखेगी, सीट क्वालिटी देखिए यार, सीट बहुत ही शानदार दे रखी है, बड़ी बड़ी सी सीट और चौड़ी सीट है ये देखिए कितने। और पीछे का ग्रैब रेल कुछ इस तरह से दे रखा है, पूरी एक यूजर बाइक की तरह से, इसको मजबूत बाइक में गिना जाए तो गलत नहीं होगा। 5 स्पीड गियर के साथ आएगी, मैंने बताया आपको, गियर लीवर कुछ इस तरह से, कैटालिटिक कन्वर्टर, और यहाँ पर भी आपको इंजन गार्ड दे रखा है जो भी मेटल में दे रखा है, बाकी में प्लास्टिक आता है, कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ दे रखा है। और कुछ इस तरह से साइड स्टैंड कट ऑफ सिस्टम के साथ आएगी, साइड स्टैंड कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको ये दे रखा है ताकि स्टैंड लगाने में आपको परेशानी न आए। पीछे साड़ी गार्ड दे रखा है, और ये फुटरेस्ट जो दे रखे हैं ये स्पोर्ट्स पीले, आगे रबराइज है, पीछे खाली मेटल है, ठीक है। इस तरह से पीछे का जो व्यू है इस तरह से आएगा, LED टेल लैंप है, LED ही इंडिकेटर है। और पीछे देखिए ब्रॉड टायर दे रखा है, पीछे की साइड में चले जाते हैं, 240mm का डिस्क ब्रेक दे रखा है, यहाँ पर निशन का कैलिपर दे रखा है, और यहाँ पर भी आपको ABS दे रखा है। ध्यान से देखना, ये ABS यहाँ पर लगा हुआ है, तो ड्यूल चैनल ABS हो गया, आगे भी हो गया, पीछे भी हो गया। टायर साइज की बात करें तो 140/60/R17 के टायर दे रखे हैं, जो काफ़ी ही बड़े दिखते हैं। और इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस दिख रहा है टायर में, ये ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं इस बाइक में, और सड़क पे तो वैसे चलेगी, तो कुछ इस तरह से। और इसका जो एग्जॉस है वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, बहुत ही शानदार। और इस पर जो मैट फिनिश में, टोटल मैट फिनिश कर रखा है, इंजन भी पूरा ब्लैक, एग्जॉस भी पूरा ब्लैक, खाली एलॉय व्हील दे रखे हैं वो गोल्ड है, कुछ इस तरह से पूरा है। मैंने आपको 3-4 बदलाव आपको बता दिए हैं जो इस बाइक में, आप यामा की सारी बाइक में आ गए हैं, जैसे ABS हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, और
जो सारा लाइटिंग सेटअप है वो एलईडी हो गया। अब आ जाते हैं इसके साउंड के ऊपर, कीमत भी बता दूंगा मैं अभी, इसको करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी फीचर आपको बता दूं, इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट भी दिया है। चार्जिंग सॉकेट लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, कार वाला दे दिया है, ये सॉकेट आपको खरीद के लगाना पड़ेगा। इसमें डाल देना, सब काम शुरू हो जाएगा। ये ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि बरसात के ऊपर आप इसको बंद भी कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म चलता है। वो ख़राब होने के चांस होते हैं, इसमें ख़राब होने के चांस नहीं होते। अब आ जाते हैं इसके साउंड के ऊपर। तो पहले इसको ये किल स्विच को ऑन करेंगे, फिर इसको बहुत ही सिंगल टच में स्टार्ट है बाइक। कुछ इस तरह से इसका साउंड है। रिफाइंड साउंड बिल्कुल, कहीं से भी कोई अलग से आवाज नहीं है। देखिए बिल्कुल पास से वो सुन लीजिए, बहुत बढ़िया। और ब्रेक लीवर कुछ इस तरह से दे रखा है। सॉरी, ये ऑन है, अभी चलते हैं आगे और लो बीम करके आते हैं। इस तरह से ये लो बीम और DRL कुछ इस तरह से दिखेंगे। इंडिकेटर भी चला देता हूँ मैं, और इसको एक बार ऑफ किया है मैंने, तो ऑफ किए इस तरह से, इस तरह से DRL दिखेंगे और हेडलाइट इस तरह से वो ऑफ हो जाएगी। इंडिकेटर कुछ इस तरह से आपको LED में दे रखे हैं। आप करते हैं वापस से इसको ऑन, हाई बीम करते हैं, हाई बीम कुछ इस तरह से, ठीक है। पीछे का, चलिए पीछे का टेल लैम्प कुछ इस तरह से दिखेगा और इंडिकेटर कुछ इस तरह से, ठीक है। 139 किलो की ये बाइक है। सीट हाइट इसकी 810 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस इसका 165 mm है। ओवरऑल लेंथ इसकी 2020 mm है और व्हील बेस इसका 1330 mm है। मतलब बाकी सब फिगर तो FG वाले ही है, बस थोड़ा सा मॉडल और लुक और इसमें जो मेटल भर भर के दे रखा है, पूरा एक मतलब मजबूत बाइक बना के रखी है। उबड़ खाबड़ रस्तों पे भी चलाओ इसको। भैया पास में खड़े, इनकी हाइट शायद 6.5-6.4 है, इस पे बिठा के देखते हैं। भैया एक मिनट ऊपर बैठ जाना, स्टैंड मेन स्टैंड हटा के। तो भैया की हाइट है 5.4, ठीक है। इनके दोनों पाँव देखिए, उधर का वाला पाँव भी थोड़ा सा हाँ एड़ी ऊपर है, बाकी पंजे दोनों आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि 5-4 वाले बंदे भी आराम से इसको चला पाएंगे। यामा की बाइक लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं गांधी मोटर्स उदयपुर, इनके कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो इसकी एक शोरूम कीमत है 1,37,639 रुपये और ऑन रोड कीमत पड़ेगी उदयपुर में, कोई भी एसेसरीज नहीं है उसमें, 1,63,820 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो बाइक खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं गांधी मोटर्स उदयपुर, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो आप और भी कोई जानकारी चाहिए बाइक के रिलेटेड तो आप इनसे कॉन्टैक्ट जरूर करें।